डेल्टा, अल्फा फॉर डेल्टा, ओवर। डेल्टा फोरस फॉर पास माइक ओवर। अल्फा फॉर डेल्टा, हमारी पोस्ट की तरफ भारी तादाद में टैंक आते हुए दिखाई दे रहे हैं, ओवर। टैंक की आवाज़ ही ऐसी होती है कि पूरी धरती हिला देती है। उस टाइम पे उस 120 आदमियों जो खड़े हुए हैं, उनके जहन में एक बार आया होगा कि हम जिंदा भी बचेंगे या नहीं, बट स्टिल दे डिसाइडेड कि वी विल होल्ड द ग्राउंड एंड विल फाइट। हम पीछे हटने से ज्यादा मरना पसंद करते हैं, क्योंकि हमारी मातृभूमि के ऊपर कोई पैर रखे ऐसा हम बर्दाश्त नहीं करने से। हमारे जवान कम थे, लेकिन हमारे जवानों के जो हौसले थे वो पूरी तरह से बुलंद थे। एक जवान ने लगभग 15 से 20 जवान को अकेले फायर पावर से रोक कर दिखाया। टैंक के सामने आमने सामने अगर आप माइन बिछाने का मादा रखते हैं, आप हिम्मत रखते हैं, इस देश के लिए हिम्मत रखते हैं, अपनी पलटन के लिए हिम्मत रखते हैं। अगले दिन सुबह जो है एक बहुत बड़ा इस जंग के अंदर, इस लड़ाई के अंदर एक बहुत बड़ा फैक्टर था, जो हमारी एयरफोर्स ने सुबह फर्स्ट लाइट के ऊपर आकर पाकिस्तान के भारी मात्रा में टैंकों को बर्बाद किया। हमारे कंपनी कमांडर थे उस टाइम मेजर कुलदीप सिंह चांदपुरी, उन्होंने वहां पे रुकने का फैसला लिया। वो फैसला मेजर कुलदीप सिंह चांदपुरी का था और उन 120 जवानों का था। उनका विश्वास उस कंपनी कमांडर के ऊपर इतना ज्यादा रहा था कि वो उस इंसान के साथ खड़े रहे। इतनी बड़ी फौज जो कि पाकिस्तान से आई थी, 3000 के करीब उसमें उनके जवान थे और उनके साथ एक रेजिमेंट टैंकों की थी, T-59। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं हूं श्वेता सिंह। एक ऐसा युद्ध जिसने दुनिया का नक्शा बदला, एक ऐसी जगह जहां पाकिस्तानी अहंकार की जली हुई रस्सी के साक्ष्य आज भी मौजूद हैं, ऐसी मिट्टी जिसे भारत के शूरवीरों ने अपने रक्त से सींचा था। 1971 के युद्ध में अलग अलग लड़ाइयां लड़ी गई, आज हम कहानी आपको सुनाएंगे लोंगेवाला। ये कहानी है भारत पाकिस्तान सीमा पर राजस्थान के एक छोटे से पोस्ट लोंगेवाला की और उस पोस्ट पर तैनात 120 मतवालों की, जो रेगिस्तान के वीराने में इस पोस्ट की निगरानी में तैनात थे। यहाँ दुश्मन की नजर डालने की गुंजाइश न के बराबर थी, इसीलिए यहाँ चौकसी तो रहती थी लेकिन अतिरिक्त तैयारी नहीं। आशंका थी, इसीलिए कंपनी वहां पे डिप्लॉय की गई थी, लेकिन अगर आप देखें पूरी डिप्लॉयमेंट, अगर उस समय की हम विचार करें तो शायद उस पूरे इलाके में सबसे कम डिप्लॉयमेंट या सिर्फ एक कंपनी की डिप्लॉयमेंट, जब हम हाइंडसाइट में सोचते हैं या पुराने विचार करते हैं, तो ये अंदेशा नहीं था कि पाकिस्तान इतनी बड़ी फौज लेकर लोंगेवाला के ऊपर अटैक करेगा। भारतीय फौज का बड़ा हिस्सा भारत की पूर्वी सीमा से लगे ईस्ट पाकिस्तान में उलझा था और बड़ी संख्या में सेना जम्मू कश्मीर की सुरक्षा में भी लगी थी। पाकिस्तान ने सोचा अपने गिरेबान पर पकड़ ढीली करानी है तो कम तैनाती वाली सरहद से भारत में दाखिल हो जाए और इलाके पर कब्जा जमा ले, ताकि पूरब की भरपाई पश्चिम में हो सके। सेना जो है वो अपने सारे फ्रंट्स को कवर करने के लिए कुछ ना कुछ प्लान बनाती है,
तो इसी प्रकार 1971 में हालांकि मेजर लड़ाई जो है वो ईस्ट पाकिस्तान या जो भी बांग्लादेश है उस फ्रंट पर लड़ी गई, लेकिन साथ ही पश्चिमी सेक्टर भी काफी एक्टिव हुआ था, काफी सक्रिय हुआ था। दूर दूर तक बस रेत ही रेत, रेत ही रेत। ये वही भूमि है, वही रणभूमि है जहां पर हिंदुस्तान के 120 मतवाले लोंगेवाला की उस लड़ाई में पाकिस्तान के हजारों सैनिकों से भिड़े थे। यहां पर जो पेट्रोलियम होती है उसकी अपनी अलग ही चुनौती है। आम दिनों में इस इलाके में बीएसएफ यानी कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की तैनाती होती है, लेकिन युद्ध का ऐलान होते ही यहां पर भारतीय सेना तैनात हो जाती है। 1971 में भी ऐसा ही हुआ था। राजस्थान में भारत पाकिस्तान के बीच अंतरराष्ट्रीय बॉर्डर है, यानी यहां सरहद को लेकर कोई मतभेद नहीं रहा। यहां जैसलमेर जिले में सबसे लंबी रेतीली सीमा है जिस पर सबसे महत्वपूर्ण इलाका सादेवाला था। लोंगेवाला जो है वो जैसे मैंने पहले बताया बॉर्डर से लगभग 15 किलोमीटर की दूरी पर एक बहुत ही छोटी एक जगह थी। बटालियन जो उस टाइम हमारी थी वो सादेवाला में डिप्लॉयड थी। सादेवाला में हमारा बटालियन हेडक्वार्टर और 3 कंपनियां डिप्लॉयड थी। लोंगेवाला में एक कंपनी अल्फा कंपनी जो है, जो हमारे सिख ट्रूप्स की कंपनी है, वो लोंगेवाला में डिप्लॉयड थी। एक कंपनी में लगभग 120 सैनिक होते हैं। लोंगेवाला पोस्ट पर पंजाब रेजिमेंट की 23वीं बटालियन की अल्फा कंपनी तैनात थी। इनकी अगुवाई कर रहे थे मेजर कुलदीप सिंह चांदपुरी। जब तक एक अच्छी लीडरशिप नहीं है किसी भी युद्ध में, आपने मिलिट्री हिस्ट्री उठा के देख लीजिए, सफलता हासिल नहीं हुई है। जहां एक इकलौता अच्छा और दमदार मिलिट्री लीडर रहा है वो लड़ाई कभी हारी नहीं गई है। लोंगेवाला पर किसी तरह का खतरा होगा ये किसी ने नहीं सोचा था। हाँ, वहां पोस्ट पर तैनात कंपनी ने ऐसी आशंका जताई थी, लेकिन उस समय ये आशंका बेबुनियाद लग रही थी। पाकिस्तान ने जो सोचा था उसने उसे उसी तरह से एग्जीक्यूट करा। कोई भी मिलिट्री प्लानिंग में कुछ ऐसे पैरामीटर्स होते हैं जो आप पहले से सोचते हो, अप्रिशिएट करते हो कि कोई भी दुश्मन यहाँ से आएगा, उन्होंने भी हमारा अंदाज़ा लगाया होगा अपनी प्लानिंग में कि यहाँ पे एक पोस्ट नहीं होगी, क्योंकि उनके हिसाब से वहाँ पे लोंगेवाला पोस्ट पे कोई नहीं था, सिर्फ 10 जवान को छोड़ के, एक छोटी सी BOP समझ रहे थे वो। तो ये सरप्राइज फैक्टर उनके लिए भी था, हमारे लिए भी था। पाकिस्तान को इस बात का एहसास था कि हिंदुस्तानी फौज कभी भी ईस्ट पाकिस्तान की ओर कूच कर जाएगी, और इसीलिए उसने 3 दिसंबर को पश्चिमी सीमा पर एक साथ भारत के 11 अग्रिम एयरफील्ड और रेडार स्टेशनों पर आक्रमण कर दिया। पाकिस्तान लॉन्च्ड अ फुल स्केल वॉर अगेंस्ट अस। द पाकिस्तान एयर फोर्स सडनली स्ट्रक एट आवर एयरफील्ड इन अमृतसर, पठानकोट, श्रीनगर, अवंतीपुर, उत्तरलाई, जोधपुर, अंबाला एंड आगरा। Their ground forces are shelling our defense positions in Sulaimanki, Khemkaran, Poonch and other sectors. पाकिस्तान की 18वीं डिवीजन के GOC जनरल BM मुस्तफा को जिम्मा सौंपा गया भारतीय सीमा में घुसकर आक्रमण करने का। पाकिस्तान के इस ऑपरेशन का नाम था ऑप लबैक। पाकिस्तानी ब्रिगेडियर तारिक मीर की अगुवाई में 2 बटालियन को आगे निकलना था। वो लोंगेवाला को बाईपास करते और भारत में रामगढ़ तक दाखिल होते। उनके साथ टैंकों का एक स्क्वाड्रन भी होता। दूसरी ओर से पाकिस्तानी ब्रिगेडियर जहानजेब अरबाब की अगुवाई में 1 बटालियन को लोंगेवाला पर कब्जा करना था। अंतिम लक्ष्य के तौर पर जैसलमेर एयरबेस पर कब्जा करने की योजना थी, पर आखिरी लम्हे पर ब्रिगेडियर तारिक मीर ने प्लान बदलवा दिया। लोंगेवाला इज क्या है कि ये एक स्ट्रेटेजिक लोकेशन, जैसे कि सब जानते हैं, एक स्ट्रेटेजिक लोकेशन है, बिकॉज अगर दुश्मन इस पोस्ट को, जो दुश्मन का इरादा था इस पोस्ट को ओवररन करके फर्दर रामगढ़ टच करके एंड फर्दर जैसलमेर हिट करना था, जो दुश्मन ने अपना, क्योंकि एक इंपॉर्टेंट रोड एक्सेस बन जाता है ये। अगर वो लोंगेवाला की पोस्ट अगर हमने छोड़ी होती या हम विड्रॉ किए होते तो उस दिन शायद पाकिस्तान जैसलमेर पहुंच जाता। ब्रिगेडियर तारिक मीर ने लंबे चौड़े ऑपरेशन की जगह एक ही साथ
पूरी ताकत से आगे बढ़ने की योजना रखी। तर्क ये कि सीधा पक्का रास्ता वक्त बचाएगा और 2000 पाकिस्तानी सैनिकों को लोंगेवाला जैसे अकेले पोस्ट को नष्ट करने में वक्त नहीं लगेगा। पाकिस्तान एक देश के तौर पर हमेशा बड़े बड़े देशों से इस्तेमाल होता रहा, इसीलिए उसके पास हथियारों उपकरणों की कभी कमी नहीं। अत्याधुनिक हथियारों को गाड़ियों को लेकर वो आगे कूच करता जा रहा था। उसका प्लान था कि वो लोंगेवाला में नाश्ता करेगा, आगे रामगढ़ में जाकर लंच करेगा और जैसलमेर में जाकर डिनर करेगा। तो प्लान के तौर पर तो कहीं कुछ गलत नहीं था, लेकिन लोहे के हौसले सिर्फ हिंदुस्तान में मिलते हैं। 4 दिसंबर की रात लेफ्टिनेंट धर्मवीर की अगुवाई में एक पेट्रोल पार्टी गश्त के लिए निकली। थार रेगिस्तान के सन्नाटे में उन्हें एक अजीब सी घरघराहट सुनाई दे रही। मैं 4 दिसंबर को तकरीबन 10 बजे अपना राशन लेके 25 जवानों के साथ रवाना हो गया। जब हम 635 के एरिया में पहुंचे, उससे थोड़ा सा पहले हमने ग्राउंड देखा, वहां पे जहां पे थोड़ा हमें छुपाव मिल सके, और हमने अपनी पोजीशन ले ली। उस एरिया से कुछ ऐसी आवाज़ें आना शुरू होगी, जैसे कोई टैंक या गाड़ियाँ, इनकी आवाज़ आना शुरू होगी। हमने लेफ्टिनेंट साहब से बैठकर बात की, मैं साहब आज दिन तक हम यहाँ 2 महीने से ज़्यादा टाइम हो गया, यहाँ पर किसी चीज़ की आवाज़ या कोई हरकत दिखाई नहीं दी, तो आज कैसे यहाँ पर ये आवाज़ शुरू हो सुनाई दे रही। लेफ्टिनेंट धर्मवीर ने फौरन अपने कमांडिंग ऑफिसर मेजर कुलदीप सिंह चांदपुरी को खबर की। अल्फा फॉर डेल्टा, ये हमारी पोस्ट की तरफ भारी तादाद में टैंक आते हुए दिखाई दे रहे हैं, ओवर। और मैंने एकदम ये वापस पास किया बटालियन हेडक्वार्टर में कि मुझे लग रहा है कि ये टैंकों की आवाज है और टैंक हमारी तरफ घुसपैठ कर रहे हैं। चांदपुरी साहब को बताया ना साहब, ऐसे ऐसे जो है दुश्मन के टैंक आ रहे हैं। तो चांद भाई साहब बोलता है, घबराने की कोई बात नहीं, आप डरने की कोई बात नहीं, आप डटे रहो वहां पर। लेफ्टिनेंट धर्मवीर से कहा गया कि वो और करीब जाकर देखे। डेल्टा 12 डू नॉट फायर, शैडो द पेट्रोल एंड कीप पासिंग द इंफॉर्मेशन। तो मैं और नजदीक गया, वहां पे जाके मैंने जब और सुना, मेरे जवानों ने भी सुना, ये हमें यकीन हो गया टैंक नजदीक आते रहे, आवाज बढ़ती रही कि ये टैंक की नुहाइश है। रेगिस्तान की सर्दी बहुत भीषण होती है, कभी कभी कोहरा भी घना होता है, लेकिन उस रोज पूर्णिमा की रात चांद की रोशनी में सब साफ साफ होता है। हम लोग बिल्कुल नजदीक थे, इतनी नजदीक थे कि उस टाइम चंद्रमा जो है 3-4 रात का था, और हम सानी से उसका उर्दू में नंबर भी पढ़ सकते थे। इतना क्लियर विजिबिलिटी थी, तकरीबन रात के 12 बज गए थे, तो टैंक के ऊपर इन्फेंट्री बैठी हुई थी और मैंने टैंक गिने, मेरे जवानों ने मेरे साथ हेल्प की। इट वाज टोटली ए इन्फेंट्री ब्रिगेड सपोर्टेड बाय आर्मर्ड रेजिमेंट एंड ए टैंक स्क्वाड्रन। रेगिस्तान में धूल का बवंडर उड़ाता हुआ पाकिस्तानी टैंकों का काफिला धड़धड़ाता चला आ रहा। लेफ्टिनेंट धर्मवीर ने कंपनी कमांडर मेजर कुलदीप सिंह चांदपुरी को स्थिति कंफर्म की। 45 टैंक प्लस 14 टैंक, 59 टैंक प्लस इन्फेंट्री ब्रिगेड, जिसमें कोई तकरीबन 2500 जवान होते हैं, इतना बड़ा फौजी दस्ता वो अटैक के लिए हमारी तरफ बढ़ रहा था। इस दफा शक की कोई गुंजाइश ही नहीं थी। मेजर चांदपुरी ने तुरंत बटालियन हेडक्वार्टर सादेवाला, ब्रिगेड हेडक्वार्टर और डिवीजन हेडक्वार्टर संदेश भेज दिया। रेगिस्तानी इलाकों में जो ट्रेंच होते हैं वो ऐसे ही दिखते हैं। तैयारियां जिस तरह की होती थी वो कंपनी के द्वारा की जा रही थी। जहां तक मदद का सवाल है, लोंगेवाला एक अलग थलग सा पोस्ट था, वहां तक किसी को भी पहुंचने में घंटों का समय लग सकता था, और इसीलिए इस बात पर विचार चल रहा था कि सहायता आखिर कैसे पहुंचाई जाए।
ही आस्क्ड फॉर रिसोर्सेज, उन्हें थोड़े रिसोर्सेज प्रोवाइड भी हुए. ही आस्क्ड फॉर मैन पावर ऑल्सो, लेकिन हाँ बिकॉज ऑफ द टाइम गैप, टाइम लैप्स, वो मैन पावर स्ट्रेंथ इतनी ज्यादा री एनफोर्समेंट टाइमली नहीं पहुंच पाया. फौरी मदद न मिलने की सूरत में मेजर चांदपुरी के सामने दो विकल्प रखे गए. नथिंग इज इम्पॉसिबल अंटिल इट इज डन. मेजर चांदपुरी को पता था कि मेरे पास दो ही ऑप्शन है, या तो मैं पीछे चले जाऊं या तो मैं यहाँ पे रह के डिफेंसिव बैटल को लड़ूं. अगर वो पीछे जाते तो ये तो तय था कि पलटन का नाम, नमक और निशान ये सब खतरे में था. मेजर कुलदीप चांदपुरी ने वो चुना जिसने दुनिया के सैन्य इतिहास में वीरता की परिभाषा ही बदल दी. इंडियन आर्मी की जो सिखलाई है, जो ट्रेनिंग में हमें सिखाया जाता है, तो हमें डिफेंस और एडवांस, ये दो ही चीज़ें सिखाई जाती हैं. जबकि विड्रॉल भी एक टैक्टिक है, लेकिन वो हमें सिखाया ही नहीं जाता, तो हमें पता ही नहीं है विड्रॉल कैसे करना है. कुलदीप चांदपुरी के दिमाग में यही था कि हम दुश्मन को एक जगह पे वहाँ पे रोके रखेंगे ताकि दुश्मन आगे एडवांस ना कर सके. उनके जहन में एक बार आया होगा कि हम जिंदा भी बचेंगे या नहीं, बट स्टिल दे डिसाइडेड कि वी विल होल्ड द ग्राउंड एंड विल फाइट. बिकॉज क्या है कि हमारी जो पलटन का इज्जत का सवाल है, आर्मी की इज्जत का सवाल है और अपनी खुद की इज्जत का सवाल है. सो वी कैन नॉट विड्रॉ एंड गो बैक. ये एक कठिन फैसला. सामने थे भारी भरकम हथियारों से लैस 2000 से अधिक पाकिस्तानी सैनिक, करीब 54 T-59 और शर्मन टैंक, और लोंगेवाला के अकेले पोस्ट पर कुल 120 सैनिक. एक जीप पर लगी रिकॉयललेस गन, एक मीडियम मशीन गन और 3 मोर्टार. 120 सैनिकों में से भी 30 लेफ्टिनेंट धर्मवीर के साथ पेट्रोल ड्यूटी पर थे. इन्फेंट्री से तो हमारी फौज आउट नंबर थी, लेकिन जैसे हम कहते हैं मैन एंड मशीन, इवन मशीन्स में भी आउट नंबर थे. एक ब्रिगेड, आपको पता है, एक ब्रिगेड जिसमें 4 बटालियन थी, 3000 के करीब उसमें उनके जवान थे, और उनके साथ एक रेजिमेंट टैंकों की थी, T-59 चाइना के बने हुए ब्रांड न्यू टैंक थे, जिसमें तकरीबन एक रेजिमेंट में 45 टैंक होते हैं, और साथ एक शर्मन टैंकों का स्क्वाड्रन था, 60 टैंक थे, 3000 आदमी थे. मेजर चांदपुरी जानते थे कि पाकिस्तान की 2 बटालियन से मुकाबला कर पाना लगभग असंभव था, पर अगर लोंगेवाला की अकेली पोस्ट पर पाकिस्तानियों को कुछ देर रोक भी पाए तो पीछे तैयारियों की मोहलत तो मिल जाएगी. मुकाबला छोड़कर हट जाने का सीधा मतलब था जैसलमेर तक पाकिस्तान को रोकने वाला कोई नहीं होता. मेजर चांदपुरी की पूरी कंपनी दिलेर थी, पीछे हटने का ख्याल भी किसी के जहन में नहीं था. हमें IMA क्रेडो में पढ़ाया जाता है दैट योर कंट्री कम्स फर्स्ट ऑलवेज एंड एवरी टाइम. सो दैट टाइम मेजर कुलदीप सिंह चांदपुरी ने इस चीज को ऑन ग्राउंड इम्प्लीमेंट करके दिखाया. ये इस चीज की परवाह ना करते हुए भी कि उनके सामने पूरी इन्फेंट्री ब्रिगेड, जिसे कि एक पूरी आर्मर रेजिमेंट सपोर्ट कर रही है, तब भी 120 जवानों के साथ उन्होंने डटकर सामना करने का फैसला लिया. उन्होंने पीछे हटने से मना कर दिया. द ऑनर वेलफेयर एंड सेफ्टी ऑफ द कंट्री कम फर्स्ट, द ऑनर सेफ्टी एंड वेलफेयर ऑफ योर मेन, ऑफ योर ट्रूप्स कम सेकंड, एंड योर ओन ऑनर, ईज एंड कंफर्ट कम्स लास्ट. वो उन्होंने 100% फॉलो किया. उन्हें पता था लीव फैमिली, लीव एवरीथिंग, लीव द लाइफ, कंफर्टेबल लाइफ. उन्हें पता था कि अगर मैं यहाँ पर हूँ तो मेरे होते हुए दुश्मन इंडिया पे हमला नहीं कर सकता. सवाल ये था कि अब क्या, क्योंकि सुरक्षा के नाम पर पोस्ट के पास कुछ भी नहीं था. 3 ओर कांटेदार तार लगी थी, पर ये दुश्मन को रोकने के लिए बिल्कुल भी पर्याप्त नहीं थी. हमारे पास जो है SLR रेफले थी और 9 मतलब LMG के अलावा मेग मशीन गन थी. चूंकि इस मोर्चे पर मदद के तौर पर टैंक या अतिरिक्त बल पहुंचना संभव नहीं था, मेजर चांदपुरी ने एयर सपोर्ट की भी गुजारिश की. मुझे मालूम था हमारे पास एयर सपोर्ट नहीं. मैंने कर्नल MK हुसैन को मैसेज पास किया कि आप सुबह एयर सपोर्ट मंगा लो, जो कि अंडर विंग कमांडर बाबा के थे, ग्रुप कैप्टन बाबा, जो कि जैसलमेर एयरफील्ड के मालिक थे, इंचार्ज थे. हंटर विमानों के लिए भी सवेरे तक का इंतजार करना था. सुबह की रोशनी में कम से कम 5 घंटे का समय था.
इतनी देर तो दुश्मन के खिलाफ डटे रहना जरूरी था, चाहे कुछ भी हो जाए। उस समय शायद हमारी जो एयरफोर्स थी वो नाइट कैपेबिलिटी नहीं थी उसके पास, तो नाइट में लड़ने की क्षमता नहीं थी। तो इस समय जब एयरफोर्स सपोर्ट के लिए डिमांड की गई तो उन्होंने फर्स्ट लाइट तक रुकने के लिए और उनका अटैक रोकने के लिए किसी भी हालात में उन्होंने बोला। निर्णय लेने में देर होती तो बहुत देर हो जाती। अंतिम निर्णय लेने से पहले कंपनी से एक आखिरी संवाद का वक्त था। इस जंग में उतरने से पहले ये स्पष्ट करना था एक एक सिपाही को कि ये जंग हथियारों से नहीं हौसलों से लड़ी जानी थी। जो 1,25,000 से एक लड़ाऊ का संकल्प ले सके वो साथ आए। मेजर साहब ने ऐसा मोटिवेट किया कि बोलता बेटा अगर भागोगे तो मरोगे, अगर जीत रहोगे तो लौंगेवाला के शहीद आप बनोगे, अगर आपकी पीठ के पीछे गोली लगेगी तो आपके हर आदमी यही बोलेगा कि लड़ाई से भागे हैं आदमी, और हमारी पीठ के पीछे ब्लैक टाकी लग जाएगी। उस शर्म की जिंदगी से मरना बेहतर है। तो जो आदमी इस जिंदगी में आया वो मरेगा तो जरूर एक दिन। और उन्हें क्या पीछे अपना इथोन, उन्होंने कहा अगर तुम पीछे हट गए तो 100 साल भी जियोगे तो वो भी जीना किसी काम का नहीं। मैं पीछे हट जाऊं तो मुझे गोली मार देना, हमें लड़कर ही मरना है। हम मर भी गए तो इधर मेले लगेंगे, मारे भी गए तो इधर मेले लगेंगे। जो हमारे गुरुओं का फरमान है कि 1,25,000 से एक लड़ाऊं तबे गोविंद सिंह नाम का हूं, को उसकी एक उत्तम उदाहरण पेश करते हुए देश के दुश्मनों के लिए एक नसीहत और एक खौफ कायम किया है। यदि हम यहाँ से अब पीछे हटते हैं तो हमारे ऊपर लगभग पूरा धब्बा लग जाएगा लड़ाई का कि हाँ यहाँ से लौंगेवाला पोस्ट को छोड़ के ये बटालियन पीछे चलेगी या ये कंपनी पीछे चलेगी। उन्होंने उनके अंदर इतना भरोसा इतना विश्वास जगाया कि बेशक हमारे ऊपर एक इन्फेंट्री ब्रिगेड और एक आर्मर्ड रेजिमेंट अटैक कर रही है, लेकिन आप लोगों ने उनका डटकर मुकाबला करना है। अधिक निर्णय की शक्ति शूरवीरों के पास ही होती है और निर्णय की सफलता के पीछे होता है निश्चय, दृढ़ निश्चय। तब आप ये नहीं सोचते कि आपके सामने कौन है, तब आप ये नहीं सोचते कि आपके सामने कितने हैं, तब आप ये नहीं सोचते जीते के पैसे। प्राण न्यौछावर हो जाए लेकिन प्राण नहीं बचते। टैंकों की आवाज धीरे धीरे और करीब आती जा रही थी। ठंडी रेत दूधिया रात में बादल बनकर उठ रही थी। दुश्मन से फासला घटता जा रहा था। पाकिस्तान को यह तो मालूम था कि भारत की डिफेंसेस लोंगेवाला में मजबूत नहीं है, पर चूंकि ये उसके ओरिजिनल प्लान का हिस्सा नहीं था, उसके पास पोस्ट को लेकर मुकम्मल जानकारी भी नहीं थी। प्लानिंग तो उनकी जो थी, अगर उनके प्लानिंग से देखा जाए तो उस इलाके में आए थे जहां पर सिर्फ एक कंपनी थी। उन लोगों ने सोचा कि ये मुट्ठी भर आदमी है, हमारे पास इतने टैंक हैं, उनको मतलब इतना घमंड था कि ये इसके ऊपर ऐसे घुमाएंगे तो ये खत्म कर देंगे। इधर 23 पंजाब की टुकड़ी के पास न तो मुकाबले के लिए पर्याप्त असलहा था न ही तैयारी का पर्याप्त समय। हथियार कम होने का सीधा मतलब था कि दुश्मन पर वार तभी किया जा सकता था जब वो बिल्कुल करीब आ जाए, पर करीब आने के इंतजार का मतलब ये भी था कि बचाव की गुंजाइश ना के बराबर। डिटर्मिनेशन है, एक जवान लास्ट मैन लास्ट राउंड तक लड़ता है। अगर मैं होता, जैसे मैं वहां पहुंच गया था, तो मेरा जवान कोई पोस्ट छोड़ के नहीं जाएगा। हमारे मेजर साहब ने पहले बोला था कि जब ये रेंज में आएंगे तब फायर खोलना इनके ऊपर, पहले शुरू कर देंगे तो ये फिर पता नहीं क्या करेंगे। तो पता होता कि कितना रेंज में वो है, हम अंदाजा लगाते कि वो टैंक अगर हम पहले फायर कर दिया पैनिक होके तो एमिनेशन उस टैंक को बर्बाद नहीं करेगा, वो एमिनेशन वेस्ट हो जाएगा। इसलिए हम वेट करते कि उनको अपने उस रेंज वेपन, हमारे वेपन के रेंजेस के अंदर आने दो।
रात 12:30 बजे जब पाकिस्तानी लोंगेवाला पोस्ट के नजदीक पहुंचे, तब तक सैनिकों ने पोस्ट के इर्द गिर्द कांटेदार तार बिछा ली थी। यूं तो ये सतही प्रोटेक्शन था, पर इसे देखकर पाकिस्तान का माथा ठनका। उसे शक हुआ कि कहीं यहाँ एंटी टैंक माइन तो नहीं है। उसका शक दरअसल पूरी तरह गलत भी नहीं था, क्योंकि सैनिकों ने एंटी टैंक माइन लगाना शुरू कर दिया था। जो पाकिस्तानी इन्फेंट्री है, वो लास्ट में जब लोंगेवाला पोस्ट के ऊपर अटैक कर रही थी, तो एक बार्ड वायर या जो एक तार लगी थी, तो शायद उनको एक बार को लगा कि यहाँ पे माइन फील्ड्स हैं। उन लोगों ने क्या किया, टैंक जो है ऐसे एक लाइन में लगा दिए, साथ में एक हेलीपैड ग्राउंड था, कुआं था, लगा कर अटैक करने लगे। आगे आ गई तार, जैसे ही तार उन लोगों ने देखी, तार देखने के बाद तो हर मतलब है, किसी दुश्मन को भी पता होता है वे टैंक के साथ क्या है, माइन लगे होंगे, एंटी टैंक माइन, एंटी पर्सनल माइन, तो वो रुक गए। हमारे सैनिकों की शूरवीरता के कारण माइनफील्ड को बड़े लेवल पे दिखाया गया, ताकि दुश्मन इस भ्रम में रहे कि यहाँ बहुत ही बड़ा माइनफील्ड लगा हुआ है। दुश्मन इस भ्रम के कारण आगे बढ़ने से हिचकिचाता रहा और हमारी सेना का मोराल अप रहा। लोंगेवाला एक इकलौता पोस्ट जरूर था, लेकिन ये कुछ इस तरह की ऊंचाई पर स्थित था कि यहाँ से दुश्मन की हर हरकत पर नजर रखी जा सकती थी। संख्या के हिसाब से तो ये चिड़िया और बाज की लड़ाई ही यहाँ पर चल रही थी, लेकिन यही तो भारतीय शौर्य की परंपरा रही। ये जो आप देख रहे हैं, ये एक रिकॉयलेस राइफल जीप है, जिसका इस्तेमाल लांस नायक मथुरा दास ने किया था। यहीं से निशाना साध साध कर लोंगेवाला पोस्ट की ओर बढ़ते हुए पाकिस्तानियों ने अब बंदूकों का मुंह खोल दिया था। पर जैसे जैसे पाकिस्तानी और करीब आ रहे थे, एंटी टैंक माइन फिट करने का काम भी जारी था। दुश्मन के टैंक उनके सामने थे, लेकिन वो लास्ट मिनट तक एंटी टैंक माइंस जो है वो टैंक्स के पीछे नीचे बिछाते गए। पोबिशन दास ने यह है कि मतलब एक ऐसे करके एक रस्सी के साथ एंटी टैंक माइन बांध रखे थे, दो तीन वो उसने जाके ऐसे बिछा दिए। लोंगेवाला पोस्ट की ओर से जवाबी गोलीबारी भी शुरू कर दी गई। रिकॉइलेस गन से सटीक निशाना लगा और पाकिस्तानियों का पहला टैंक ध्वस्त हो गया। ओआरसीएल गन ही एक ऐसा हथियार है इन्फेंट्री के पास जो टैंक को बर्बाद कर सकता है। जो आरसीएल गन, हम आरसीएल गन से फायर करके उनके टैंक ध्वस्त कर रहे थे। बलदेव सिंह ने फायर किया था, उसके बाद एलएमजी, एमएमजी, राइफल जो भी चीज थी उससे हम फायर कर रहे थे। आगे बढ़ता हुआ उनका दूसरा टैंक भी माइन की चपेट में आ गया। अब तक पाकिस्तानी पोस्ट के बेहद करीब पहुंच चुके थे। दो टैंकों का हश्र और पोस्ट के चारों ओर फैली कांटेदार तारों को देखकर उन्हें लगा कि यहां तो पूरी की पूरी माइनफील्ड है। उनकी पूरी फौज वहीं ठिठक गई। माइनफील्ड के साथ एक साइन लगाया जाता है, जिसको आर्मी का हर जवान जानता है या ह्यूमन राइट के हिसाब से वो लगाना पड़ता है। तो जब पाकिस्तान ने ये देखा कि यार ये माइनफील्ड लगा हुआ है और बहुत लंबी लाइनों में लगा हुआ है, ये काफी बड़ा है, उसको गैप कहीं से नहीं मिल रहे थे कि आगे कैसे आए, तो नेचुरली मेरे को अगर पता है कि यहाँ पर माइन है तो मैं वहां पे पांव नहीं रखूंगा सर। तो एक टैंक वाले ने भी यही सोचा कि अगर टैंक को आगे ले जाता हूँ तो टैंक बर्बाद होगा, उनको मजबूरन ये होल्ड करना पड़ा। माइन से टैंक जो है वो बहुत डरता है, क्योंकि माइन के ऊपर जब चढ़ता है चैन टूट जाती है, जब चैन टूट जाएगी टैंक वहां घूमेगा। उन्होंने बहुत ज्यादा कोशिश की आगे बढ़ने की, लेकिन आगे बढ़ने के लिए उनके दिल में इतना हौसला नहीं था। इधर लोंगेवाला पोस्ट से भारतीय सैनिक अब उन टैंकों पर निशाना साध रहे थे जिसमें युद्ध के लिए ईंधन रखा था। जो ही उनमें गोली लगी वो धधक उठे और पहले से ही चांदनी से रोशन रात और जगमग हुई।
मैं तो उसी दिन कह दिया था, मैंने अपने सीओ को बोल दिया था, इनका जो डिजास्टर है, ये जो टैंकों के पीछे तीन तीन चार चार पांच पांच बैरलें बांध के आए हैं, ये एक कफन साथ में लेके आए, तो इनको इतनी अकल नहीं है कि एक भी फायर होगा इन्फेंट्री का हो जाए कि सारा पेट्रोल जलेगा, पेट्रोल जलेगा, टैंक जलेगा, टैंक जलेगा, क्रू जलेगा और सारा कुछ इनका बर्बाद होगा। पाकिस्तानी सैपर अब भी ये जांच ही कर रहे थे कि कटीली तारों में क्या माइन बिछा है और साथ ही सरहद के भीतर दाखिल होने का दूसरा रास्ता भी टटोल रहे थे। इसी तलाश में उन्होंने पक्की सड़क छोड़ दी और रेत में टैंक उतार दी। ये गलती पाकिस्तान को बहुत महंगी पड़ने वाली थी। जैसे ही उनका ये मतलब काफला हमारी लोंगवाला पोस्ट की तरफ निकला तो जो उनकी बख्तरबंद गाड़ियां थी जो भारी सामान लेकर पीछे आ रही थी वो रेते में फंस गई। रेते में फंसने के बाद उनको मतलब है पाकिस्तान वालों के ट्रैक्टर भी लेकर आए थे, जो सिविल लोगों के ट्रैक्टर थे वो भी लेकर आए थे ताकि गाड़ियों को इनसे मदद ली जा सके, निकाला जा सके, मगर क्या हुआ। रेत में फंसे पाकिस्तानी टैंक भारत के लिए आसान टारगेट बन गए। हमारे जाबाजों ने निशाना साध साध कर एक एक टैंक का सफाया करना शुरू कर दिया और पाकिस्तानी बचने की नाकाम कोशिश में पूरी तरह छटपटाने लगे। अब तक 12 पाकिस्तानी टैंकों को नष्ट किया जा चुका था। उनको अपनी पूरी आर्मर्ड कॉलम को वहां पे रोकना पड़ा, उनके आर्मर्ड टैंक्स वहीं पे खड़े हुए थे और ये मौका मिल गया था मेरे चंदपुरी के पलटन को कि वो आरसीएल टैंक्स का निशाना लगाए और एक एक करके सारे टैंक्स को वहां पे बर्बाद करे। जब आपने उस हथियार के ऊपर से आपने जब टैंक पे शॉट लिया है तो वही बताता है कि आपकी ट्रेनिंग किस आले दर्जे की है और हथियार कितना अच्छा फायर कर रहा है। इसका फायदा हमें ये हुआ कि हम थोड़ा डेमिनेट हाइट में थे, टैंक थोड़ा नीचे थे, तो जो उनके जवान थे वो हमारी तरफ बढ़ नहीं पा रहे थे और जो बढ़ रहे थे उनको हम ऊपर से मार रहे थे। संघर्ष को करीब करीब 5 घंटे हो चुके थे। अपने रथ पर सवार होकर सूर्य तेजी से आसमान में आगमन कर चुके थे। मानो रक्त रंजित रणभूमि का प्रतिबिंब अब अंबर में दिखाई पड़ रहा। गोलियों की तड़तड़ाहट तब थमी नहीं थी जब आसमान से मौत की घरघराहट सुनाई पड़ने लगी। भारतीय वायुसेना के हंटर विमान और HF-24 मारू जेट जैसलमेर एयरबेस से उड़ान भर चुके थे। चार में से 3 एयरक्राफ्ट को एयर डिफेंस रोल से अटैक रोल में परिवर्तित किया गया। रॉकेट रेल फिट करके उनमें रॉकेट लोड किए गए। रोशनी की पहली किरण के साथ ही ये विमान लोंगेवाला के आसमान में पहुंच चुके थे। जैसे ही फर्स्ट लाइट हुआ सब उस टाइम उसका उस एरिए का वो देखने वाला नजारा था। फॉग भी था उस टाइम पे, तो क्यों सर्दियों के मौसम में राजस्थान में फॉग बहुत होता है, तो जैसे विजिबिलिटी ठीक हुई हंटर एयरक्राफ्ट ने टेक ऑफ किया जैसलमेर से, तो जब वो वहां पहुंचे तो उनको पूरा टैंकी चारों तरफ टैंकी टैंक नजर आया। पहले ही हमले में हंटर विमानों ने पाकिस्तानी टैंकों की कब्र बना दी। बाज की तरह झपट रहे हंटर को देखकर पाकिस्तानी सेना में खलबली मच गई। वो भागने की कोशिश भी करते तो कहां तक जाते। हमारे जो पायलट्स थे, जो फाइटर पायलट्स थे, साथ हंटर्स हवाई जहाज चला रहे थे, उन्होंने ट्री टॉप लेवल यानी जितना दरख्त की ऊंचाई तक उड़ाने बढ़ी हैं, जो कि बहुत एक मुश्किल काम होता है, वो उतनी हाइट से नीचे आना और आकर
टैंकों को बर्बाद करना। एयर अटैक ने तो वो उनका कब्रिस्तान ही बना दिया, एक टैंक भी उनका पीछे नहीं जाने दिया। जितनी गाड़ियां उनकी बॉर्डर तक थी हमारी तरफ आई हुई, एक भी पीछे नहीं गई, ना पीछे जाने दिया ना आगे जाने दिया। इधर विमान एक के बाद एक सौटी कर रहे थे, अटैक के बाद फ्यूल और हथियार के लिए वापस जैसलमेर लौटते थे और फिर हमला बोल देते। पहले दिन के अंत तक पाकिस्तान के 15 टैंक तहस नहस हो चुके थे और 23 अन्य गाड़ियां नष्ट हो चुकी थी। जैसे ही उनके हमारे हवाई जहाज आए, उन लोगों ने 3 ग्रुप बना रखे थे, 4 हवाई जहाज आगे, 4 उसके पीछे उसकी प्रोटेक्शन के लिए, ताकि पाकिस्तान का एयरक्राफ्ट उनको बर्बाद ना करे, 4 उनकी प्रोटेक्शन करता था, 4 एयरफील्ड पर बिल्कुल रेडी रहते थे, इनका ऐसे सर्कल बना हुआ, पहले 4 फायर करके जाएंगे तो जो पीछे बैठे हैं वो आगे आ जाएंगे, उड़ा जो प्रोटेक्शन वाले हैं वो फायर शुरू कर देंगे। लेकिन युद्ध यही खत्म नहीं हुआ, 6 दिसंबर को भी दुश्मन को खदेड़ने का सिलसिला चलता रहा। वायुसेना के फाइटर्स ने कुल 17 सॉर्टीज की। लड़ाई के खत्म होने तक पाकिस्तान ने 37 टैंक गवा लिए। हमारी एयरफोर्स जो थी उन्होंने हमारी मदद के लिए वहां उड़ाने भरी और आकर पाकिस्तानी को टैंकों को जो हमारी रेंज से बाहर थे उनको बर्बाद किया। उनका बहुत अच्छा योगदान रहा इंडियन एयरफोर्स का, उनकी वीरता और बहादुरी की जितने भी कहा जाए उतना ही कम है। जो हमारे एयरक्राफ्ट थे वो सीधा सांदपोर से आगे रीम जान खां इलाका पड़ता है, जैसे ये सियालकोट है, वहाँ सीधे चले गए। यहाँ से वो उनकी आ रही थी मतलब बख्तरबान गाड़ियाँ, वहाँ से उन लोगों ने फायर करना शुरू किया, वहाँ से जलाते जलाते टैंकों का बस लाइन मतलब सिंगल लाइन में आ रहे थे, वहां से जलाते जलाते लंगवा पोस्ट पर आ गए। जमीन और आसमान के वीरों के संयुक्त प्रयास के कारण लोंगेवाला में पाकिस्तान की एक पूरी T-59 रेजिमेंट मिट गई। युद्ध के दौरान जो पाकिस्तानी मैसेज इंटरसेप्ट हुए उन्हें सुनकर आपको भारतीय शौर्य का बेहतर अंदाजा हो जाएगा। दुश्मन की हवाई फौज ने नाक में दम कर दिया है, एक हवाई जहाज जाता है और दूसरा आता है और 20-20 मिनट ऊपर नाचता है, 40% फौज और सामान हलाक और तबाह हो चुका है, आगे जाना तो क्या पीछे मुड़ना भी मुश्किल हो गया है, जल्दी हवाई फौज मदद के लिए भेजो वरना वापस मुड़ना नामुमकिन है। ये T-59 टैंक पाकिस्तान की 22वीं कैवलरी के उन 37 टैंकों में से एक है जिसे 23वीं पंजाब और भारतीय वायुसेना के वीरों ने नष्ट किया था। ऐसी तमाम चीजें आपको लोंगेवाला में आज भी दिख जाएंगी, लेकिन लोंगेवाला के जरिए एक ऐसे इतिहास को रचा गया था जिसे दुनिया भर के सैन्य पाठ्यक्रम में जगह दी गई। जब लोंगेवाला के मोर्चे पर मुकाबला शुरू हुआ था तब भारत के पास थे 120 सैनिक और पाकिस्तान के पास 2000। भारत के पास थी एक रिकॉइललेस गन, पाकिस्तान के पास 54 T-59 और शर्मन टैंक। जब लड़ाई खत्म हुई तो नुकसान की तस्वीर कुछ ऐसी थी। पाकिस्तान के 200 से अधिक सैनिक मारे गए थे जिनमें उसके सीनियर ऑफिसर्स भी शामिल थे। 3 पाकिस्तानी सैनिकों को युद्ध बंदी बनाया गया। भारत के 3 योद्धा वीर गति को प्राप्त हुए थे। पाकिस्तान के 37 टैंक और 100 के करीब आर्मर्ड गाड़ियां नष्ट हुई। भारत की ओर 5 ऊंटों की मौत हुई थी। सिपाही जगजीत सिंह दो लास्ट अपनी आखिरी सांस तक खुले में अपनी लाइट मशीन गन को लेकर दुश्मन के ऊपर नुकसान पहुंचाते रहे। सिपाही चरण दास जो सिपाही बिशन दास के साथ दोनों जवान मिलकर लास्ट मिनट तक दुश्मन के सामने, दुश्मन के टैंकों के सामने उनके नीचे माइनफील्ड लगाते रहे। ये 3 कैजुअल्टीज जो हमारी हुई जिनको वीरगति प्राप्त हुई।
लोंगेवाला के वीरों को उनके शौर्य के लिए सम्मानित किया गया। मेजर चांदपुरी को महावीर चक्र से नवाजा। जहाँ तक वीरता का सवाल है, ये वीरता और बहादुरी हमारे पंजाब रेजिमेंट के जो 23 पंजाब की बांह पर एक कंपनी लगी हुई तैनात थी लोंगेवाला पोस्ट के ऊपर, उनकी बहादुरी का ही ये जो आज हम जिसके बारे में बातचीत कर रहे हैं, ये उनकी बहादुरी है, उनकी कुर्बानियां हैं, उनकी देशभक्ति है। इतिहास गवाह है कि जंग हथियारों से नहीं बल्कि हौसलों से जीती जाती है। इसलिए हमें अपने बहादुर योद्धाओं के ऊपर फख्र है कि उन्होंने अपनी जान की परवाह ना करते हुए दुश्मन को खदेड़कर अपने मातृभूमि की रक्षा की। लोंगेवाला में भारतीय जवानों की जीत पर खूब अध्ययन हुआ। ब्रिटेन के फील्ड मार्शल कावर ने लोंगेवाला का दौरा किया। मेजर कुलदीप सिंह चांदपुरी से युद्ध की समूची रणनीति समझी। आज इंग्लैंड, फ्रांस, बांग्लादेश समेत आधा दर्जन देशों की मिलिट्री एकेडमी में लोंगेवाला की लड़ाई के बारे में विस्तार से पढ़ाया जाता है।